किसी भी सॉलिड के नेचर को अंडरस्टैंड करना हो कि कोई भी सॉलिड कितना इलास्टिक या रिजिड नेचर को रखता है, उसमें डिफॉर्मेशन चेंज पैदा करना कितना आसान या मुश्किल है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं जस्ट बाय वन वैल्यू, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की। ये हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस को बॉडी पे अप्लाई करने से उस पर्टिकुलर बॉडी में कितनी स्ट्रेन जनरेट होगी। सो इट इज़ दी रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सो रेशियो मीन चेंज। ये आपको किसी भी बॉडी के बारे में बताती है कि अगर आप किसी बॉडी पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसमें कितना स्ट्रेन जनरेट हो सकता है। सो मॉडुलस बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कितना इलास्टिक बिहेवियर रखता है या कितना रिजिड बिहेवियर रखता है। सो इट इज़ द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन विच कुड अकर ड्यू टू पर्टिकुलर स्ट्रेस। सो मॉडुलस बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास मटेरियल है तो उसकी नेचर क्या है, उसमें डिफॉर्मेशन पैदा करना, उसकी शेप में या वॉल्यूम में या लेंथ में चेंज लाना कितना आसान है या मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्प्रिंग की अगर बात करें तो स्प्रिंग हमारे पास एक इलास्टिक मटीरियल है, लेकिन हमारे पास स्प्रिंग की भी एक वास्ट रेंज है। अगर हम उनको सोफ़ाज़ में यूज़ करना चाहेंगे तो उसकी जो नेचर होगी वो डिफरेंट होगी। अगर उसी स्प्रिंग को अगर हम बेड में यूज़ करेंगे तो उसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट होगी, और उसी स्प्रिंग को अगर हम बाइक में, मोटर बाइक्स में एज अ शॉक यूज़ करेंगे तो अगेन वहाँ पे वो हमें डिफरेंट नेचर का चाहिए होगा। तो किस तरह से हमें पता चल सकता है कि हमारे पास स्प्रिंग की नेचर क्या होगी, वो कितना सॉफ्ट होगा या कितना हार्ड होगा, उसमें इलास्टिसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये हमें पता चलता है उसके मॉडुलस से। अब अगर कोई बाइक बनाने वाली कंपनी जो है वो किसी से स्प्रिंग खरीदने जाएगी तो वो एक एक स्प्रिंग को चेक नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू उन्हें बताएंगे कि हमें इतने मॉडुलस का स्प्रिंग जो है वो रेडी करके दें, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमें इनको कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट और किस तरह का स्प्रिंग इनको रेडी करके देना है। तो इसी तरह किसी भी मटेरियल के अगर हमें मॉडुलस के बारे में पता हो, उसकी वैल्यू का पता हो, तो हमें उसकी नेचर का आइडिया हो जाता है। अब क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे पास उसकी स्ट्रेस की और स्ट्रेन की तीन टाइप्स हैं, उसी तरह हमारे पास मॉडुलस की भी आगे से तीन टाइप होंगी। एक को बोलते हैं यंग मॉडुलस, एक को बोलते हैं बल्क मॉडुलस और एक को बोलते हैं शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस बेसिकली हमें बताता है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर मटेरियल की लेंथ में वेरिएशन आ सकती है। बल्क मॉडुलस हमें किसी भी बॉडी की वॉल्यूमेट्रिकल जो उसमें डिफॉर्मेशन आ सकती है उसके बारे में बताता है, और शेयर मॉडुलस हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में शेप में किस तरह की, कितनी जल्दी या कितना मुश्किल से उसमें डिफॉर्मेशन पैदा करना पॉसिबल है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, जितने भी मॉडुलस हैं, मॉडुलस का यूनिट हमेशा वही होता है जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, क्योंकि मॉडुलस बेसिकली रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो दैट्स मीन मॉडुलस का भी वही यूनिट होगा जो कि स्ट्रेस का होगा। सो इसकी तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये लेंथ की डिफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, तो उसके लिए हमें क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। डेफिनेशन सबकी वही है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन। बस फर्क क्या आएगा, अगर लेंथ के लिए तो ये टेंसाइल आ जाएगा। तो हमने कल देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेस किसके कुल होती है, एफ ओवर ए। टेंसाइल स्ट्रेन किसके कुल होगी, डेल्टा एल ओवर एल नॉट। सो ये डिवाइड का डिवाइड है, तो एल नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें यूनिट पूछे जाएं, यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस, तो फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, लेंथ का आ गया मीटर, एरिया का आ गया मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल अगेन लेंथ है तो इसका क्या होगा, मीटर। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यंग मॉडुलस का जो यूनिट है वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वही यूनिट है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस का होता है, तो यंग मॉडुलस का भी वही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, अगेन रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, लेकिन इसमें स्ट्रेन सिर्फ कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल के है। कैपिटल के किसके इक्वल है, स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके इक्वल है, एफ ओवर ए के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला कल हमने देखा था, क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो डेल्टा वी ओवर वी नॉट आ जाएगा। ये डिवाइड का डिवाइड है, ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगी बल्क मॉडुलस की इक्वेशन। यहाँ से हम किसी का भी बल्क मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसके यूनिट पूछे जाएं आपसे, तो अगेन फोर्स का यूनिट है न्यूटन,
वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर, अगेन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यूनिट्स ऑफ बल्क मॉडुलस के आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और लास्ट में थर्ड जो हमारे पास टाइप है दैट इज शियर मॉडुलस, अगेन इट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा आ जाएगा, शियर स्ट्रेन, जो कि शेप में चेंज को बताता है कि पूरी की पूरी शेप में किस तरह से का डिफॉर्मेशन होगा किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू के लिए। सो अगेन इसका सिंबल जो है ये कैपिटल जी है, कैपिटल जी किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस है एफ ओवर ए, शियर स्ट्रेन कल के लेक्चर में हमने देखा था टेन थीटा होता है, और अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा की जगह सिंपल हम थीटा लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास यूनिट्स ऑफ जी आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर रेडियन, क्योंकि हम अगेन एंगल का जो यहाँ पे ऐसे यूनिट यूज़ करेंगे वो रेडियन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर इन तीन मॉडुलस की वैल्यू हो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी लेंथ में चेंज पैदा करना, इसके वॉल्यूम में चेंज पैदा करना और इसकी शेप में चेंज पैदा करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है।